हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट गलियारों में न्यूज आ रही है, काफी जो है न्यूज पोर्टल ये बात कह रहे हैं, काफी इंडिविजुअल जो है एनालिस्ट ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं कि एमजी मोटर्स का इंडिया का बिजनेस रिलायंस ग्रुप खरीद सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या एमजी मोटर्स का बिजनेस रिलायंस खरीदने जा रही है? इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है? एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि रिलायंस जिस भी सेक्टर में आती है वहाँ उसमें जो सेटल्ड प्लेयर हैं उनका नुकसान जरूर हो जाता है। हालांकि रिलायंस ने जिस जिस कंपनी में स्टेक खरीदी है मैं लाइन से गिनवाता हूँ आपको, आज जितनी मेरे को याद है, डेन नेटवर्क, हैथवे केबल, एसडब्ल्यू सोलर, आलोक इंडस्ट्रीज, बालाजी टेलीफिल्म्स और फ्रेंड्स टीवी टूडे नेटवर्क 18, लोटस चॉकलेट करके एक छोटी सी कंपनी है। एक दो कोई छूट गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी में भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। और अगर मैं 2 साल की पिछले बात करूं तो रिलायंस के शेयर में भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। तो रिलायंस जहां इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने पोर्टफोलियो को बूस्ट करने के लिए कर रहा है, बट इन्वेस्टर का हार्डली किसी स्टॉक में पैसा बना है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिए, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है काफ़ी न्यूज़ पोर्टल पे ये खबर छपी है कि जो एमजी मोटर्स की इंडिया यूनिट है उसको रिलायंस खरीद सकता है। एंड ऑफ 2023 तक जो है ये डील हो सकती है। और यहाँ पर रिलायंस के अलावा और भी जो कुछ प्लेयर हैं जिसमें हीरो ग्रुप हो गया, एमजी इन्वेस्टमेंट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, वो भी जो है लिस्ट में है। ऐसे तो एमजी मोटर का जो मार्केट शेयर है वो 1% से भी कम है, क्योंकि एमजी मोटर ने जब इंडिया में एंट्री की थी और उसके बाद जो इनके बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान थे तो वहाँ पर कोविड आ गया और वो उस तरह से गो थ्रू नहीं हो पाया, पैन इंडिया एक्सपेंशन नहीं हो पाया। बट फिर भी एमजी ने जितनी भी गाड़ियाँ बेची हैं गाड़ियाँ इनकी बढ़िया हैं, फैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमजी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है वो बढ़िया है। कॉमेट इन्होंने अभी लॉन्च करी है जिसको लेके काफ़ी अग्रेसिव प्लान है। तो एमजी का जो एमजी टारगेट कर रहा है वो इंडिया की ईवी मार्केट को कर रहा है, जो कि टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए खतरा है। पहले थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं। कॉमेट जो इन्होंने बनाई है उसमें कंपनी जो है 1 लाख यूनिट जो है कमर्शियल ईयर 2023 में बेचने का प्लान कर रही है, कैलेंडर ईयर 2023 में बेचने का प्लान कर रही है। और यहाँ पे 800 करोड़ इन्होंने हलोल प्लांट में इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर कंपनी का कहना यह है कि 20% जो पैसेंजर व्हीकल का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है उसमें 20% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी की अपनी पहुँचाने की योजना है कॉमेट के थ्रू। इनकी जो और भी गाड़ियाँ आती हैं हेक्टर वेक्टर ईवी में आती हैं वो आपको सड़क पर काफ़ी देखती हुई मिल जाएंगी और वहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, हमें नहीं पता रिलायंस इसको खरीदेगा नहीं खरीदेगा और ये एक अभी कोई कंफर्म नहीं है। कुछ पोर्टल से इस बात बारे में बात कर रहे हैं और हम ऐसा इज माई इन्वेस्टमेंट इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो पोर्टल्स दिखा रहे हैं उस न्यूज़ का हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर रिलायंस इसको खरीदता है तो ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? इस पर्टिकुलरली ईवी मार्केट में अभी जो डोमिनेशन है वो टाटा मोटर्स का है और महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी काफ़ी अग्रेसिव प्लान है और काफ़ी ऐसे व्यूज़ उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पाइपलाइन में है। रिलायंस अगर इस सेक्टर में आता है तो उसका डायरेक्ट कंपटीशन टाटा मोटर्स और M&M से होगा, जो इसमें सेटल्ड प्लेयर है और उसमें भी सबसे बड़ा प्लेयर 70% मार्केट शेयर के साथ टाटा मोटर्स ही है। तो डायरेक्ट कंपटीशन टाटा मोटर्स से होगा और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाटा मोटर्स भी लग्जरी ईवीज में अब जो है प्रेजेंस दिखा रहा है और इनकी जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं सफारी और हैरियर वो भी आने वाले समय में ईवी में आ सकते हैं, जो एक प्रीमियम सेगमेंट है। फ्रेंड्स, रिलायंस की एंट्री किसी भी सेक्टर में इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और बहुत सीरियसनेस से देखी जाती है क्योंकि रिलायंस के पास प्राइसिंग पावर है, इन्वेस्टमेंट पावर है और एक एक्सपीरियंस्ड टीम है किसी भी सेक्टर के लिए। अगर वो कहीं भी एंट्री करती है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, फंड रेजिंग की बड़ी कैपेबिलिटीज़ है, सस्ते फंड्स का एक्सेस है। जियो फाइनेंशियल को लेके भी हम जब वीडियो बना रहे थे तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि रिलायंस अगर यहाँ पे आता है तो उसको थोड़ा डिसरप्ट कर सकता है क्योंकि रिलायंस के पास सबसे बड़ी प्राइसिंग पावर है, वो सस्ता फंड रेज कर सकता है और कितना भी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में कर सकता है। तो रिलायंस के पास वो कैपेबिलिटी है बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लाए बिना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी रखता है। और रिलायंस का
ट्रस्ट फैक्टर इंडिया में बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रूरल से रूरल एरिया में भी पहुंच जाओगे, वो रिलायंस को जानता है। ये ट्रस्ट रिलायंस ने बिल्ड किया है इंडिया के अंदर। तो रिलायंस का नाम जहां लग गया वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, और काफी बिजनेस इंडिया में ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं। तो रिलायंस को कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, रिलायंस का नाम लग गया वो इटसेल्फ ब्रांड बन गई। तो अगर ये आता है तो टाटा मोटर्स के लिए जो है उसके जो ड्रीम्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। हालांकि मार्केट बहुत बड़ी है, अगर ईवी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सबके पास सब्सटेंशियल स्पेस होगा ग्रो करने के लिए, तो इस बारे में कुछ भी कमेंट करना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। पर फ्रेंड्स, पहले जो वीडियो के स्टार्ट होने पे मैंने बात कही थी वो उस बात पर आप एक गौर करिए, और आपके पास अपना कोई एनालिसिस है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि रिलायंस के इटसेल्फ शेयर में जब जियो लॉन्च हुआ था और जियो के पेड प्लान्स आए थे तब एक मूव आया था जो अगले एक डेढ़ साल चला और रिलायंस ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिए। बट अगर आप पिछले दो साल में देखोगे तो स्टॉक ने कोई खासा रिटर्न नहीं दिया है, और जहां जहां रिलायंस ने कंट्रोलिंग स्टेक खरीदी है वहां वहां इन्वेस्टर का पैसा डूबा है। कई स्टॉक्स तो अपने हाई से आधे रह गए हैं। एसडब्ल्यू सोलार का आप केस देख लीजिए, हाथवे केबल, डेन नेटवर्क, बालाजी टेलीफिल्म्स के स्टॉक का हाल देख लीजिए, आलोक इंडस्ट्रीज में किस तरह से पैसा डूबा है। तो रिलायंस ने कभी भी किसी कंपनी में स्टेक खरीद के इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनाया है, अपने ही पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन किया है, उसकी सैनर्जीज का बेनिफिट और कंपनीज को नहीं मिला है। या रिलायंस की एक हिस्ट्री यहाँ पर रही है, पिछले कई साल में काफी एक्विजिशन इन्होंने किए हैं बट इन्वेस्टर्स को वहां पर कुछ नहीं मिला, इन्वेस्टर्स खाली हाथ ही रहे। एमजी इंडिया तो खैर लिस्टेड नहीं है तो यहाँ पर कोई इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, बट फ्रेंड्स अगर ये होता है तो ऑटो इंडस्ट्री में भी आपको बड़े कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस की प्राइसिंग पावर, इन्वेस्टमेंट पावर आपको वहां भी देखने को मिलेगी, और हो सकता है इस सेक्टर में भी बड़े जो है आपको कंपटीशन और थोड़ा सा प्राइस वार भी देखने को मिले। हालांकि सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है तो ऐसा कोई बड़ा प्राइस वार यहाँ पे नहीं आ सकता है, और फ्रेंड्स जो है इस सेक्टर में अभी तो जल्दबाजी होगी, देखना अगर उस न्यूज़ को लेकर कोई कंफर्मेशन आती है तो फर्दर हम अपना एनालिसिस यहाँ पर पोस्ट करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो, रिसर्च कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।